अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना मुख्तार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बेसिक्स ऑफ आईसीटी। आज जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है ओवरव्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे दे आर हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसी ईजाद है जिसके दुनिया में आने के बाद तहलका मच गया। ऐसी कोई फील्ड आप अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें कंप्यूटर का अमल दखल ना हो, चाहे वो एजुकेशन हो, वेदर फोरकास्टिंग हो, ट्रैवलिंग हो, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें कंप्यूटर ना हो। कंप्यूटर को अगर आज मैं और आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो हमें लगेगा कि हम पत्थर के ज़माने में जी रहे हैं। कंप्यूटर को समझने के लिए कंप्यूटर का मानी जाना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर एक लातीनी वर्ड कंप्यूट से निकला है जिसका मतलब है टू कैलकुलेट। 1613 के अंदर कैलकुलेशन के लिए पहली बार कंप्यूटर का वर्ड इस्तेमाल किया गया। कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें जितनी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक हैं। इसको डेटा प्रोसेसर भी कहा जाता है क्योंकि जो इनपुट इसको दी जाती है ये उसको प्रोसेस करके और रिज़ल्ट जनरेट करता है। दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड डेटा प्रोसेसर एज वेल। कंप्यूटर जो कि आज जिस शक्ल में हमारे पास मौजूद है वो बहुत सारे फेजेस से होके गुजरा है। सो चलें एक नज़र देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि हम सबको पता है कि कंप्यूटर ने एक लंबा सफ़र तय किया है उस शक्ल में पहुंचने के लिए जो कि आज हमारे पास मौजूद है। कंप्यूटर का मकसद मुश्किल कैलकुलेशंस को हल करना था और अब ऐसी कोई फील्ड नहीं जिसमें कंप्यूटर इम्प्लीमेंट ना हो रहा हो। पहले वक्तों की बात करें तो लोग कैलकुलेशंस के लिए पेबल्स, स्टिक्स, वुड, साइंस या फिर उंगलियों का इस्तेमाल करते थे जो कि बाद में नंबर्स में चेंज हो गया। कंप्यूटर के सफर को तीन एजेस में डिवाइड किया गया है जिसमें इंसान बेहतर से बेहतर डिवाइस बनाने की कोशिश करता रहा। एंड दीज एजेस आर डार्क एज, मिडल एज एंड द मॉडर्न एज। डार्क एज की सबसे पहली डिवाइस अबेकस है जो कि चाइनीज ने तकरीबन 3000 साल पहले इस्तेमाल की या उसका नाम अबेकस या सोरोबॉन रखा। अबेकस रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम पर बेस्ड है जिसमें वायर्स हैं और वायर्स में बीड्स मौजूद हैं। बीड्स की मूवमेंट से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है। यही वो वक्त था जब प्लेस वैल्यू यानी यूनिट 10,000 का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है। अबेकस के बाद 1614 में जॉन नैपियर नामी साइंटिस्ट ने लॉगरिदम इन्वेंट किया और डिवाइस बना जिसका नाम नैपियर बोन रखा। ये डिवाइस रॉड्स की मदद से मुश्किल कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकती थी। दिस डिवाइस वाज नॉट ओनली फास्ट बट आल्सो एक्यूरेट। आफ्टर नैपियर बोन विलियम ऑटर्ड हु वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ही डेवलप्ड स्लाइड रूल इन 1632। ये डिवाइस दो मूवेबल रूल्स पर बेस्ड थी जिसकी मदद से कैलकुलेशन परफॉर्म की जा सकती। पास्कल्स कैलकुलेटर और पास्कलिन। ब्लेसी पास्कल ने पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन बनाई जो कि 1642 में बनाई गई। ये डिवाइस गियर्स, व्हील्स और डाइल्स पर बेस्ड थी। इस डिवाइस की मदद से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता था। 1671 में वॉन लेबनिट्स ने पास्कल्स कैलकुलेटर को इम्प्रूव किया और लेबनिट्स कैलकुलेटिंग मशीन बनाई जो कि मैथ्स के ऑलमोस्ट तमाम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती थी। 1801 में जोसेफ मैरी जैकुआर्ड ने पहली पंच कार्ड मशीन बनाई और उसका नाम जैकुआर्ड लूम रखा। चार्ल्स बेबेज जिनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है, he developed difference engine in 1823 and analytical engine in 1833. Charles Babbage ने 5 unit of computer का concept introduce किया जिसमें input unit, output unit, store, mill और control unit शामिल। जी स्टूडेंट्स,
हमने देखा कि कंप्यूटर का सफ़र शुरू से लेकर डार्क एज तक कैसे पहुंचा और कौन कौन सी डिवाइसेस थीं जो कि इसमें डेवलप हुई। मज़ीद चलते हैं मिडिल एज की तरफ और देखते हैं कि मिडिल एज में टेक्नोलॉजी में क्या इम्प्रूवमेंट आई। मिडिल एज की पहली डिवाइस हर्मन हॉलरिथ की सेंसस मशीन थी जो कि 1880 में डेवलप की गई। ये मशीन पंच कार्ड सिस्टम पर बेस्ड थी और पंच होल्स के जरिए नंबर्स को सेंस करके उस पर रिकॉर्ड कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकती थी। ये मशीन सबसे पहले अमेरिकन सेंसस ब्यूरो ने 1890 में यूज की। सेंसस मशीन के बाद हॉवर्ड एकन ने 1937 में पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन बनाई जिसको मार्क वन कहा गया। ये मशीन चार्ल्स वेबर्स की थ्योरी और पंचिंग कार्ड की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी। दिस मशीन कुड मल्टीप्लाई टू नंबर्स विच वर बेसिकली 20 डिजिट्स नंबर्स और ये कैलकुलेशन वो 5 सेकंड में परफॉर्म कर सकती थी बट विद अ लॉट ऑफ नॉइस। अटानासोफ बैरी कंप्यूटर। अटानासोफ बैरी कंप्यूटर एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर था जो कि 1938 में जॉन विंसेंट ने क्लिफ बोर्ड बैरी की मदद से लोअर स्टेट कॉलेज यूएसए में डेवलप किया। इसको एबीसी भी कहा जाता है। तो दिस वाज द जर्नी ऑफ द मिडिल एज। नाउ लेट्स सी हाउ द कंप्यूटर ग्रोथ अकर्ड इन द मॉडर्न एज। मॉडर्न एज के हवाले से बात करें तो जॉन वॉन न्यूमन का जो पार्ट है वो बहुत अहम है। जॉन वॉन न्यूमन ने ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो कि 1945 में दिया गया। NEIC जिसको इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर कहा जाता है, ये एक पहली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम पर काम कर सकती थी, लेकिन इसकी अपनी कोई मेमोरी नहीं थी। NEIC could perform 5,000 additions and 350 multiplications in only 1 second. NEIC का साइज बहुत बड़ा था और इसमें तकरीबन 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 17,000 रेजिस्टर्स, 10,000 कैपेसिटर्स और 60,000 स्विचेस का इस्तेमाल किया गया। NEIC को 150 किलोवाट पावर रिक्वायर्ड थी फॉर वर्किंग और इसका जो वेट था वो तकरीबन 27 टन्स था। एंड हियर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इन्वेंशन कंटिन्यूज एंड इट्स स्टिल ऑन टिल टुडे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स आपने जाने एंड लेट मी टेल यू कि टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में खवातीन भी किसी से पीछे नहीं थी। चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिदम ऑगस्टा एडा नामी खातून ने लिखा और बिल्ट इन एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट भी ऑगस्टा एडा ने ही मुतारिफ कराया। अब देखते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। टेक्नोलॉजी के हवाले से कंप्यूटर जिन स्टेप से गुज़रा, यानी हार्डवेयर का क्या, कौन सी डिवाइसेस थी जो कि इस्तेमाल हो रही थी कंप्यूटर बनाने में, सॉफ्टवेयर की क्या टेक्नोलॉजी जो कि इस्तेमाल हुई, उस तमाम को जनरेशन्स कहा जाता है। दे आर टोटल 5 जनरेशन्स, 1 to 5। फर्स्ट जनरेशन का पीरियड स्टार्ट होता है फ्रॉम 1942 to 1955। जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया फर्स्ट जनरेशन में, उसमें मेजर आपकी वैक्यूम ट्यूब्स हैं। वैक्यूम ट्यूब्स बल्ब की शक्ल की होती हैं और बेतहाशा हीट जनरेट करती हैं और यही वजह है कि फर्स्ट जनरेशन के जो डिवाइसेस हैं वो ज़्यादा हीट की वजह से वो टेक्नोलॉजी फ्लॉप हो गई। इसके अलावा इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया गया। सॉफ्टवेयर के हवाले से अगर हम देखें तो बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 और 1 का इस्तेमाल किया गया जिसको बाद में मशीन लैंग्वेज का नाम दिया गया। लेटर ऑन असेंबली लैंग्वेज मुतारिफ कराई गई जो कि क्लोज थी मशीन लैंग्वेज के साथ। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट भी दिया गया। इसके अलावा साइज़ के हवाले से अगर बात करें तो फर्स्ट जनरेशन की डिवाइसेस का साइज़ बहुत ह्यूज था। फॉर एग्जांपल अगर 40-80 के कमरे के बराबर की तकरीबन डिवाइसेस थी, वेट में बहुत ज़्यादा थी, टन्स ऑफ वेट था। पंच कार्ड्स की वजह से टेक्नोलॉजी को इनपुट आउटपुट करने के लिए बेतहाशा कार्ड्स जो थे उनकी ज़रूरत पेश आई।
हाईली अनरिलायबल डिवाइसेस एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़। फर्स्ट जनरेशन की एग्जांपल्स में हमारे पास नमाया एनिएक है, एडवेक है, एडसेक, यूनिवेक 1 और IBM 701 काबिल तारीफ है। सेकेंड जनरेशन का पीरियड 1955 से 1964 का है। हार्डवेयर के हवाले से एक बेहतरीन ट्रांजिशन थी फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर स्विचिंग का काम करते हैं, यानी करंट को आगे ट्रांसफ़र करना है या रोक लेना है, ये ट्रांजिस्टर्स का मैकेनिज्म है। इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड यूज़ किए गए और मैग्नेटिक टेप का ही इस्तेमाल जारी रखा। सॉफ्टवेयर के हवाले से हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराई गई। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं जो कि ह्यूमन लैंग्वेज से क्लोज होती है। ट्रांजिस्टर्स की वजह से अब कंप्यूटर्स का साइज़ श्रिंक हो गया था फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन, स्पीड बेहतर हो गई थी। और अगर इसकी डिवाइसेस को देखें तो डिवाइसेस में मेजर डिवाइसेस हैं हनीवेल 400, IBM 7030, CDC 1604 और यूनिवेक लार्क। थर्ड जनरेशन का जो पीरियड है वो 1965 से लेकर 1970 तक है। नाउ द हार्डवेयर ट्रांजिशन फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर्स एंड देन द ICs, जी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आपके थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक सिलिकॉन चिप में एम्बेड होके IC की शक्ल में आ गए, और इसकी वजह से जो डिवाइसेस का साइज़ था, यानी कंप्यूटर का जो साइज़ था, वो काफ़ी हद तक श्रिंक हो गया, स्पीड बेहतर हो गई। अब कंप्यूटर्स जो हैं वो कमर्शियली भी प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। साथ ही साथ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मुतारिफ कराया गया और लैंग्वेज के हवाले से पास्कल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई। फोर्थ जनरेशन का पीरियड स्टार्ट होता है फ्रॉम 1975 टू 1989। अब यहाँ ट्रांजिशन थी फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर्स, देन ICs एंड नाउ कम्स द माइक्रोप्रोसेसर। और माइक्रोप्रोसेसर दो टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर बन रहा था। वन इज़ LSI एंड द अदर वन इज़ VLSI। LSI स्टैंड्स फॉर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यानी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एम्बेड किया गया ICs में, और फिर थाउजेंड्स ऑफ IC से मिलकर माइक्रोप्रोसेसर बनाया गया। इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड, माउस और फ्लॉपी ड्राइव्स का इस्तेमाल किया गया। फ्लॉपी ड्राइव्स अब ऑब्सोलीट हो गई हैं। सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम मुतारिफ कराया गया। इसके अलावा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को भी इंट्रोड्यूस कराया गया। नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट और मल्टीपल विंडोज़ ऑन अ सिंगल स्क्रीन भी मुतारिफ कराया गया। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स का साइज़ अब बहुत हद तक श्रिंक हो चुका था और पर्सनल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस हो गया था। कंप्यूटर्स माइक्रोप्रोसेसर की वजह से ना सिर्फ रिलायबल थे बल्कि उनकी स्पीड भी बहुत फास्ट थी। फिफ्थ जनरेशन फ्रॉम 1989 टिल टुडे, यानी 1989 से लेकर आज तक की जितनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है वो तमाम की तमाम फिफ्थ जनरेशन में आती है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करें तो हमारे पास बहुत कुछ है जो कि इस टाइम पीरियड में अपग्रेड हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हार्डवेयर में मेन मेमोरी यानी रैम और रोम का कॉन्सेप्ट, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इसके अलावा कंप्यूटर के बहुत सारे वर्जन्स, नोटबुक्स, लैपटॉप्स, इसके अलावा इंटरनेट की फैसिलिटी, नेटवर्किंग की फैसिलिटी, क्लस्टर कंप्यूटिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग की फैसिलिटी। सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करें तो मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, पैरेलल प्रोग्रामिंग। हाई लेवल लैंग्वेज के हवाले से बात करें तो HTML, जावा, C# और बेतहाशा लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही साथ अब हमारे पास मौजूद है एंड्रॉयड वर्जन या iOS, जिसके मदद से हम प्ले स्टोर पे मौजूद तमाम की तमाम एप्लीकेशंस को ना सिर्फ इंस्टॉल कर सकते हैं बल्कि बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस वॉज जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, एक पर्पस के हवाले से और दूसरा साइज़ यानी फिज़िकल अपीयरेंस के हवाले से। पर्पस के हवाले से अगर हम देखें तो दे आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी वेट मशीन है, इट्स एन एनालॉग कंप्यूटर।
गाड़ी का जो स्पीडोमीटर जिस पे आपको स्पीड नज़र आती है, इट्स एन एनालॉग कंप्यूटर। थर्मामीटर जो कि आपका टेम्परेचर मॉनिटर करता है, इट्स ऑल्सो एन एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की जो आउटपुट है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होती, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं बताती। एनालॉग सिग्नल की अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो साइन या कॉस का सिग्नल एनालॉग सिग्नल की एग्ज़ाम्पल है। एनालॉग सिग्नल हमेशा कंटिन्यूस होता है, जबकि डिजिटल सिग्नल की बात करें तो वो डिस्क्रीट फॉर्म यानी बाइनरी 0-1 की फॉर्म में आपके पास मौजूद होता है। यही वजह है जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो डिस्क्रीट सिग्नल के ऊपर काम करते हैं, यानी 0 या 1 को समझ सकते हैं। हमारी जितने भी कंप्यूटर्स आज कल मौजूद हैं, जिसमें हमारे सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम्स, माइक्रो मिनी कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, फार्म टॉप्स या हमारे फ़ोन्स, ये तमाम एग्ज़ाम्पल हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर डेफिनेटली मोर रिलायबल हैं एज़ कम्पेयर टू दी एनालॉग कंप्यूटर्स। अब आ जाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स के ऊपर। हाइब्रिड कंप्यूटर, जिस तरह के नाम से जाहिर है कि ये हाइब्रिड वर्जन है ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स को हमेशा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये वो कंप्यूटर्स हैं जो कि एनालॉग इनपुट भी ले सकते हैं और डिजिटल इनपुट के ऊपर भी काम किया जा सकता है। एनालॉग एग्ज़ाम्पल की बेहतरीन एग्ज़ाम्पल एनालॉग कंप्यूटर की आपके पास ECG मशीन जो कि हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल की जाती है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स विद रिस्पेक्ट टू द फिज़िकल अपीयरेंस। अगर हम फिज़िकल अपीयरेंस के हवाले से देखें तो कंप्यूटर को 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम्स, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। अगर आप अपने पास मौजूद स्लाइड को गौर से देखें तो जिस तरह हम सुपर कंप्यूटर से माइक्रो कंप्यूटर की तरफ मूव करते हैं तो हमारे कंप्यूटर्स स्लो हो रहे हैं, चीप हो रहे हैं, सिंपल हैं और स्मॉल हैं। यानी कि सुपर कंप्यूटर्स का साइज़ भी ज़्यादा है, एक्सपेंसिव भी हैं, कंप्यूटेशनल हवाले से कॉम्प्लेक्स भी हैं और ज़्यादा फास्ट भी हैं। इनकी क्लासिफिकेशंस को ज़रा मज़ीद जानते हैं और देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स और इन मेन फ्रेम और माइक्रो और मिनी कंप्यूटर में बेसिकली क्या फ़र्क है। सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट एंड द पावरफुल कंप्यूटर्स। लेकिन फास्टेस्ट और पावरफुल होने के साथ साथ ये उतने ही कॉम्प्लेक्स भी हैं, बिकॉज दे आर वेरी लार्ज इन साइज और इनके अंदर जो डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से दे आर वेरी एक्सपेंसिव। सुपर कंप्यूटर्स आर मेनली मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर्स, यानी एक से ज़्यादा प्रोसेसर के साथ मिलकर काम कर सकता है। सुपर कंप्यूटर्स हमेशा किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए एम्प्लॉयड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेदर फोरकास्टिंग हो गई, एनिमेटेड ग्राफिक्स हो गए, या न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च हो गई, या पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर्स की तरह बड़े भी हैं और एक्सपेंसिव। लेकिन मेजर फ़र्क क्या है? मेजर फ़र्क यह है कि सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो मल्टी प्रोसेसर यानी एक से ज़्यादा प्रोसेसर के साथ काम कर सकते हैं, जबकि जो मेन फ्रेम है वो मल्टी यूज़र यानी थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स को साइमल्टेनियसली सपोर्ट कर सकते हैं। मेन फ्रेम का मेन फोकस हमेशा डाटा होता है कि जितना ज़्यादा डाटा प्रोसेस हो सके। अगर हम कंपैरिजन के हवाले से बात करें तो हम कह सकते हैं कि मेन फ्रेम्स आर मोर पावरफुल देन सुपर कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम की एप्लीकेशन आपको बैंक्स में मिलेगी या ऐसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में जिसमें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स डिफरेंट जगहों पर बैठ के और सर्वर्स और डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक्सेस कर रहे हैं और वो तमाम डेटा जो है वो एक जगह से मॉनिटर हो रहा है। मिनी कंप्यूटर्स फिज़िकल अपीयरेंस के हवाले से मेन फ्रेम और वर्क स्टेशंस के कुछ दरमियान मिलाए करते हैं। मिनी कंप्यूटर्स को हम सर्वर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर को अगर हम यूज़र के हवाले से बात करें तो 4 to 200 यूज़र्स को साइमल्टेनियसली सपोर्ट कर सकता है, बट नॉट मोर देन डैट। स्पीड के हवाले से या स्टोरेज के हवाले से बात करें तो डेफिनेटली मिनी कंप्यूटर्स की स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा है और स्टोरेज कैपेसिटी भी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा है। माइक्रो कंप्यूटर्स, जिनको पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, नाम से जाहिर है कि एक ऐसा कंप्यूटर जो कि सिर्फ एक यूज़र के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसीलिए इसको हम स्टैंड अलोन कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, इसलिए
साइज़ में बहुत छोटा, स्पीड में बहुत तेज़ और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। नेटवर्क के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल्स को देखें माइक्रो कंप्यूटर्स की, तो एग्ज़ाम्पल्स में हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, नोटबुक्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, पाम टॉप्स या PDAs हैं, और स्मार्टफोन भी हमारे माइक्रो कंप्यूटर की ही एग्ज़ाम्पल हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कि हमारी कंप्यूटर्स की मोस्ट कॉमन टाइप हैं, और नाम से जाहिर है कि एक ऐसा कंप्यूटर जो कि डेस्क के ऊपर रखा जा सके, डेफिनेटली माइक्रो कंप्यूटर है तो अफोर्डेबल भी है। नोटबुक्स एंड लैपटॉप्स, जैसा कि नाम से जाहिर है, लैपटॉप एक ऐसा कंप्यूटर जो कि लैप पे रख के जिससे आप मदद ले सके। फीचर्स के हवाले से बात करें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप में कोई फ़र्क नहीं है, वो तमाम फीचर डेस्कटॉप में भी मौजूद हैं और लैपटॉप में भी मौजूद हैं। साइज़ में डेस्कटॉप की निस्बत छोटा है, पोर्टेबल है, और डेफिनेटली आप उसको जहाँ मर्ज़ी ले जाके आसानी से काम कर सकते हैं। टैबलेट्स आर स्मॉलर देन नोटबुक्स, यानी अगर हम इंचेस के हवाले से बात करें तो 13 इंच से जिसकी स्क्रीन छोटी होगी उसको हम टैबलेट कहते हैं। लो वेट होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं, और डेफिनेटली डिज़ाइंड होते हैं टू एक्सेस वेब। हैंड हेल्ड कंप्यूटर और PDAs, हैंड हेल्ड कंप्यूटर उन कंप्यूटर्स को कहते हैं जो कि आपके पाम के साइज़ के हों और आप हाथ में रख के इस्तेमाल कर सकें। डेफिनेटली दे आर नो कीबोर्ड्स अटैच, नो डिस्क ड्राइव्स, हैविंग अ वेरी लिमिटेड मेमोरी, एंड दे आर डेफिनेटली लेस पावरफुल। एंड नाउ द स्मार्टफोन्स, वो फ़ोन जो कि हर वक्त मैं और आप इस्तेमाल करते रहते हैं। फ़ोन का जो फंक्शन है उसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो एस फ़ोन भी काम करे और एस PC यानी पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे भी काम करे। वायरलेस कनेक्टिविटी एम्बेड की गई है ताकि आप जहाँ कहीं अपने फ़ोन को ले जाना चाहें वहाँ ले जाएं और इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपके साथ मौजूद हो। जो मेन वेंडर्स हैं हमारे पास फ़ोन के, उसमें नोकिया, सैमसंग, LG, इन्फिनिक्स, एप्पल, ये सब शामिल हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। मिलते हैं एक और लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, दाव।